तो सभी लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक चैलेंज, एंड इस चैलेंज का नाम है एस्केपिंग द बेडरॉक केज चैलेंज। बेसिकली इस वर्ल्ड में हम लोग को एक बेडरॉक केज के अंदर डाला गया है, एंड उस बेडरॉक केज के अंदर हम लोग को एक चेस्ट दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, एंड वो इंग्रेडिएंट्स का यूज करने के बाद मेरे को मेरा आईक्यू लगाना है एंड बेडरॉक केज से छूट जाना है। तो अभी हम लोग चलते हैं वर्ल्ड के अंदर, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वर्ल्ड कैसा है। बट वर्ल्ड में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आपको ऐसा ही कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये बिल्कुल भी फ्री है, एंड आप लोगों को अगर फ्यूचर में कंटेंट पसंद नहीं आया तो आप लोग अनसब्सक्राइब का बटन कभी भी दबा सकते हो। तेरे बाप की शादी है तेरे बाप पे जाना ले! नहीं। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं वर्ल्ड के अंदर, एंड हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। ओके, ये हम लोग का पूरा बेडरॉक का केज, एंड इधर मैं एक भी ब्लॉक नहीं तोड़ सकता ना ये कैक्टस, एंड आई थिंक ये दरवाजा है बाहर निकलने का। ओ यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल भी है, नाइस। एंड ये ट्रेडर किसने रखा भाई? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओके, वैसे ये ट्रेडर हम लोग से क्या ट्रेड कर रहा है? मोस ब्लॉक, पम्पकिन सीड्स, सैंड। तुप, 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 बिल्कुल तुप। ओके, एंड अभी हम लोग चेस्ट खोलते हैं। इतना सारा सामान हम लोग को दिया गया है, 2 गोल्ड इंगट, 1 ओक लॉग, 3 बकेट, 3 बोन, 1 एमरल्ड, 1 एग एंड 2 शुगर कैंस, यानी कि ये है हम लोग की सामग्री पूरी की पूरी। एंड इस सामग्री का हम लोग को उपयोग करके बाहर निकलना है इस बड़े से बेडरॉक केज के अंदर से। सो या अभी हम लोग लगाते अपना दिमाग। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये गोल्ड इंगट, एंड एज पर मी इसकी एक तो तलवार बनेगी या फिर इसका हॉ बनेगा। आई थिंक तलवार का कोई भी यूज नहीं होने वाला क्योंकि हम लोग को इसको मारना नहीं है। अगर इसको दिया गया है तो इसका कोई ना कोई तो यूज है जरूर से। तो या अभी हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हम लोग का। एंड ये क्या है? स्पॉन काउ। ओके, एंड हम लोग के पास एक एमरेल्ड है, एंड ये एमरेल्ड में ही ट्रेड कर रहा है। हम लोग के पास एक एमरेल्ड है, एंड एक एमरेल्ड की ट्रेड देखते हैं हम लोग। सारे एक एमरेल्ड की ट्रेड है, बट हम लोग का सिर्फ ये नॉटलेस शेल 5 का है। एंड थोड़ी बहुत आईक्यू लगाने के बाद मेरे को कुछ समझ आ रहा है, अगर मैंने हो बना लिया एंड इस जमीन पे मैं सीड्स बो कर पाऊंगा, एंड आई थिंक मेरे को यहाँ से सीढ़ी लेने है क्योंकि इन बाकी ब्लॉक्स का तो कोई यूज ही नहीं है हम लोग के वर्ल्ड के अंदर। आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ तो है। तो आ जा भाई तू सीड। ओके, मैंने यहाँ पे सीड तो ले ली है, अभी हम लोग को इसका हो बनाना है। तो या अभी हम लोग हो बनाते हैं, एंड अभी मैं कौन से ब्लॉक पे सीड्स को बो करूँ? आई थिंक इस पे ही करता हूँ, इस पे सीड बो कर दिया। एंड या अभी मेरे को बहुत समझ आ रहा है। अभी इसका काम है हम लोगों को बोन मिल देना, ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉग तो नहीं है टेम करने के लिए। एंड बोन मिल से मैं ये बहुत जल्दी जल्दी उगा पाऊंगा, एंड वैसे भी इसको सनलाइट की ज़रूरत रहती है एंड वाटर की ज़रूरत रहती है जो कि हम लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो या अभी हम लोग इसको बोन मिल करते हैं। इसको रख दिया, तोड़ दिया। ओ इसको तोड़ सकता हूँ मैं, इसको तोड़ सकता हूँ मैं। ओके ओके, तो अभी हम लोग को यार शुगर केन दिया गया है, एंड शुगर केन से तो हम लोग शुगर बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। तो यार इसको लेके मेरे को एक रेसिपी याद आ रही है, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। एक मिनट सर्च करना है कुछ तो, एंड मेरे को सर्च करना है केक, या मेरे को क्राफ्टिंग टेबल चाहिए रहेगा। तो हम लोग को जो रेसिपी दी गई है वो हम लोग की पूरी रेसिपी केक से ही होती है, यानी हम लोग को केक ही बनाना है। बट केक का यूज क्या होने वाला है ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है। ओके, तो मेरे को सब समझ आ गया है। अभी सबसे पहले इन शुगर केन से हम लोग को बनाना है एक शुगर, जितने भी हो सकते हैं। ओके, 2 हो गए। ये अंडा लेना है हम लोग को, ये बकेट्स भी लेनी है, एंड ये स्पॉन काउ भी लेनी है। एंड हम लोग को काउ इधर स्पॉन करनी रहेगी, उधर की तो वो मर जाएगी कैक्टस की वजह से। हम लोग ने काउ स्पॉन की, एंड ये बकेट सारे भर लेते हैं। ओके, एंड मेरे को हो फिर से चाहिए। देखो अभी मैं यहाँ पर भी एक करता हूँ, एंड यहाँ पर एक लगाते हैं, यहाँ पर एक लगाते हैं, एंड अभी हम लोग को इनको बोन मिल कर रहे हैं। ओके, बोन मिल कर दिया, अभी हम लोग इनको तोड़ देते हैं, एंड अभी हम लोग अपना केक बना सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बनाते हैं अपना केक, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगी। अभी लग जा, अंडा इधर आता है, बीट ऊपर आती है, एंड ये कुछ ऐसे। ओके, नहीं बना, एक मिनट, मेरे को लग रहा है ये वीट नीचे आती है, ये इधर आती है, एंड या हम लोग का केक बन चुका है। इसको ले लेते हैं। वैसे अभी इससे क्या करना है हम लोग को? इसको खाना है क्या? मेरे को सीरियसली समझ नहीं आ रहा इस केक का क्या करना है। एंड मैंने एक भी स्टेप अगर गलत कर दी ना तो फिर मैं कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी YouTube की हेल्प लूंगा। ओके, रिसर्च करने के बाद मेरे को समझ आया है
अगर हम लोग कैक्टस के आजू बाजू ब्लॉक रखते हैं तो वो कैक्टस अपने आप टूट जाता है। यस, तो मैं बहुत ज़्यादा पागल हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही एमरल्ड था, तो मैं डायरेक्टली ये वाला ब्लॉक भी ले सकता था यार। मेरे को सीरियसली पता ही नहीं था कि ये कैक्टस के बाजू में रखने पे कैक्टस टूट जाता है। तो चलो अभी हम लोग इस साइड को या फिर इस साइड को, किसी भी साइड को रख देते हैं। एंड यहाँ पर यस, हम लोगों की एंट्रेंस खुल चुकी है। मैं इस अंधेरे रूम से एंड बेडरॉक केज दोनों से बाहर आ चुका हूँ एंड मेरे को इतना अभी फ्री लग रहा है ना भाई। बट ये वर्ल्ड फ्लैट क्यों है? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एंड अभी मैं बाहर आ चुका हूँ तो अभी मैं तोड़ सकता हूँ यार ब्लॉक्स को। यानी कि ये क्या एबिलिटी थी कि हम लोग अंदर ब्लॉक्स को नहीं तोड़ सकते बट बाहर आके हम लोग ब्लॉक्स को तोड़ सकते थे। बट ठीक है, हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं इस बेडरॉक केज से। आई होप तुम सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो पे एक लाइक ड्रॉप करना मत भूलिएगा। एंड आई प्रॉमिस अगले वाले वीडियो इतना लेट नहीं आएगा। एंड अगर लाइक करने जा रहे हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वाले वीडियो के अंदर। अंटिल दैट, गुड बाय।